इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, मैं हूं तेजवीर सिंह अलूना। आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। फिलहाल मैं हूं जिला अमरोहा के जोया टोल टैक्स के पास। यहां पे किसानों का धरना चला हुआ है। कितने दिन से चल रहा है साहब? 185 दिन। 185 दिन से ये लोग यहां पे बैठे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पे 1 साल हो गया। इनसे बात करेंगे कि भाई कृषि कानून तो सरकार ने वापिस ले लिए, प्रधानमंत्री जी ने वापिस ले लिए, आपकी अभी क्या मांग है इनसे पूछेंगे भाई। देखो, अभी हमारी कई मांगे बाकी हैं। एक तो MSP कानून की गारंटी, और एक वो टैनी बर्खास्त होना चाहिए, और जो मंत्री है, हाँ, जो मंत्री है लखीमपुर खीरी वाला, और उसके बाद जो हमारे किसानों पर मुकदमे लगाए गए हैं वो भी वापस होने चाहिए। बिजली बिल वगैरह उनमें तो संशोधन होना चाहिए। और जो नया विधेयक ला रहे हैं बीज का, उस पे भी कोई हुकुम है कि किसान यूनियन की तरफ से यहाँ के लिए कोई ऑर्डर्स वगैरह होते हैं? हाँ, ऑर्डर्स होता बोले जिस समय भी वहाँ से पंचायत के लिए बोला जाएगा टोल फ्री किया जाए तो टोल फ्री कर देते हैं हम लोग। टोल वाले तो बीजेपी नेता को छोड़ देते हैं किसानों को? नहीं, किसान को जिसे रोकेंगे उसे देखा जाएगा। सामने बैठे हैं, टोल वाले दादागिरी करते हैं क्या? हाँ, दादागिरी करते थे। अच्छा, बहुत सारे किसान संगठन ऐसे हैं जो पहले सरकार की तारीफ करते हैं कि सरकार ने कानून बहुत अच्छे थे, जब सरकार कानून वापस ले लेती है तो फिर पलटी मार कहते हैं कि बड़ी खुशी है। क्या कहना चाहोगे? ये जो ऐसे संगठन हैं इनके बारे में जनता और जनपद के जो लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि पहले किसके साथ थे। जनपद के थोड़ी, पूरे देश में, पूरे देश के समझ लो, जनपद के समझ लो, सबका, सबको पता है कि कौन सरकार के साथ है, कौन सरकार के खिलाफ है। जनता अब समझदार है, बेवकूफ नहीं रही पहले। चुनाव आ रहे हैं 2022 में, वोट किसे दोगे? हम तो लोकदल के आदमी, 40 साल से लोकदल। लोकदल किसके हो? देखो, बीजेपी के खिलाफ जाएंगे जो भी पार्टी। पहले बीजेपी को दिया था जी, कई 3 बार दिया, बीजेपी को दिया था। अब क्यों नहीं देंगे? अब नहीं देंगे, बीजेपी से नाराज हैं, क्योंकि हमारी सुनवाई नहीं कर रही तो नाराज ना देने के। मतलब बीजेपी ने क्या गलत काम किए? गलत अभी MSP कभी वो नहीं कर रहे, कोई लिखित। अच्छा, समाजवादी के टाइम में चोरियां होती थी, क्या अब चोरियां नहीं हो रही है? अरे, अब कौन सी चोरी रुक गई? चोरी भला, भ्रष्टाचार कितना बढ़ गया? आप स्विस बैंकों का वो देखो, 300 गुना बढ़ गया। जोन से ये कह रहे थे कि ये जो है नोटबंदी से बोले सारा धन वापस आ जाएगा, ब्लॉक तहसील में भ्रष्टाचार खत्म हो गया। अरे, सब जगह भ्रष्टाचार तो बढ़ा है, बताओ कौन? बिल्कुल बीजेपी के अंदर। पहले कहते थे 500 का काम 2000 में होता, अभी तो लोग कहते हैं कि अभी बहुत बढ़िया सरकार है। ऐसा कुछ नहीं है, चोरियां हो रही थी, चोरियां पहले भी हो रही हैं, चोरियां अब भी हो रही हैं। अभी आज ही न्यूज में खबर है कि 3 गांव में स्टार्टर कट गए हैं, क्या कहते हैं, 10 गांव। वो कहते हैं कि पहले समाजवादी के टाइम में खुलेआम भैंस खोल लेते थे, वो करते थे, वो तो नहीं हो रही। कुछ ऐसा है, सच्चाई ये भी है कि कुछ पहले से फर्क है, लेकिन कोई ये कह दे, दावा कर दे कि समाप्त हो गई, वो नहीं है। तो भाई, किसान जो है कुल मिला के बीजेपी से इसलिए नाराज है क्योंकि किसानों की बात नहीं मानी और किसानों को सपोर्ट नहीं किया, और ये लोग कह रहे हैं कि हम वोट जो है बीजेपी के खिलाफ देंगे। तो बस यही है, जय हिंद, नमस्कार। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।